वेलकम टू अनदर वर्कशॉप फ्रॉम मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल. मैं हूँ झनक. आज हमारी वर्कशॉप एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है, एक्टिंग, जिसके बारे में कहा जाता है एक्टिंग इज बिहेविंग ट्रूथफुली अंडर इमेजिनरी सर्कमस्टांसेस. तो क्या होता है एक्टर और अच्छा एक्टर कैसे बने, इन सब के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ है मिस्टर हेमंत माहौर. एनएसडी ग्रेजुएट हेमंत माहौर एक बेहतरीन एक्टर होने के साथ साथ एक्टिंग कोच भी है. तो आइए चलिए उनसे कुछ बातें करें. वेलकम सर हमारे आज के सेशन पे. थैंक यू सो मच जी. हाँ जी, तो मैं बस आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारे मुंबई इंडिपेंडेंट फिल्म फेस्टिवल के जूरी के तौर पर. बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज इन दिनों फेस्टिवल्स के जरिए तमाम तरह के सब्जेक्ट्स, तमाम अच्छे प्लॉट्स, तमाम डायरेक्टर्स, बहुत सारी ऐसी चीजें हमें देखने को मिलती हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थी. और मैंने फेस्टिवल में कई सारी फिल्म्स देखी हैं, और ऐसी चीजें जो एक व्यक्ति अगर किसी ऐसी जगह पर बैठ करके कोई अपनी फिल्म बना रहा है, उसको प्लेटफॉर्म चाहिए दिखाने के लिए कि मैं ऐसा काम कर रहा हूँ. सो ये प्लेटफॉर्म इस मामले में मैं कहता हूँ कि हाँ, बहुत अच्छी अच्छी फिल्म आई हैं, बेहतर प्लेटफॉर्म है. मुझे इससे जुड़ के बड़ा अच्छा लगा, खुशी है, अच्छी अच्छी चीजें देखने को मिल रही हैं. जी 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 और आपके हिसाब से अभिनय क्या पढ़ा और सीखा जा सकता है? डेफिनेटली जैसे और पढ़ाइयां होती हैं, वैसे ही इसकी भी पढ़ाई जरूरी है, बिकॉज एक्टिंग सीखी जाती है, सिखाई नहीं जाती. ये मेरे गुरु कहते थे नसीर साहब, जो मुझे बाद में समझ में आई ट्रेनिंग के बाद, कि जब आप सीखना नहीं चाहेंगे तो कितना भी कोई आपको सिखा ले, कोई अच्छी बात कह ले, आप उसको रिसीव नहीं कर सकते अंटिल अनलेस अगर आप सीखने की प्रवृत्ति आपके अंदर हो. जैसे मैं अपने बारे में कहूं कि एक जर्नी होती है थिएटर के जरिए, थिएटर के बाद फिर आप कैसे एक ट्रेनिंग के हिसाब से आगे बढ़ते हैं. तो ट्रेनिंग में भी जैसे हम बच्चों की एजुकेशनल पढ़ाई होती है ना, पहले से लेकर के और ग्रेजुएशन तक, इसी तरीके से इसकी भी एक पढ़ाई है. हम डायरेक्ट सीधा फ्लोर पे जाएंगे तो फ्लोर पे जाने के लिए भी एक प्रोसेस होता है, इसलिए इसकी पढ़ाई जरूरी है, सीखना चाहिए इसको, तब जाके आप किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. हाँ, मेरा दूसरा सवाल इससे रिलेटेड है बिल्कुल. एक अभिनेता के लिए अभिनय को सीखना बहुत जरूरी है या ट्रेनिंग के बिना भी एक्टिंग करी जा सकती है? देखिए, तमाम तरह के एक्टर्स हुए हैं पूरे वर्ल्ड सिनेमा में, थिएटर में. एक होता है कि हम एक ही तरह की रिपीटेटिव एक्टिंग कर रहे हैं. एक्टिंग मतलब कि हाँ, कोई हम कैरेक्टर कर रहे हैं, हमने 10 तरह के कैरेक्टर्स किए, बट उसमें डिफरेंस नहीं पैदा हो पा रहा, या होता भी है तो उसके लिए हमें अपने हाव भाव को भी चेंज करने पड़ते हैं, या हम मेकअप के सहारे अपने आप को चेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है. तो इसके लिए क्या है कि हाँ, बहुत बहुत जरूरी है कि एक देखिए, एक होता है कि हम थिएटर में भी कई बार ऐसा होता है कि हम लगातार थिएटर कर रहे हैं लेकिन एक्सप्लोर नहीं हो पा रहा अपने आप को, हम एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हैं अपने आप को. उसके लिए बहुत जरूरी है कि बाकायदा आप इस पर वर्क करें, और वर्क करने के लिए एक प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि आपको तरीका पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से किसी भी कैरेक्टर को दूसरे कैरेक्टर से कैसे अलग करना है. तो उसके लिए टाइम चाहिए, बिकॉज अगर टाइम आपके पास नहीं होगा तो क्रिएशन आप नहीं कर सकते, क्रिएटिविटी नहीं हो सकती. हाँ, तो मतलब इम्पोर्टेंट है, लाइक अगर आपके पास ट्रेनिंग हो तो आप ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हो. समझने में आसानी होती है. और दूसरी एक बात और भी है कि अब जैसे बहुत से लोग हैं जो बेचारे ट्रेनिंग नहीं कर पाते, या उनके सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं कि उनको वो मौका नहीं मिल पाता, तो ऐसे में क्या है कि ये फिर अपनी समझदारी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अभिनय को किस रूप में देखते हैं. उसको केवल आप इस रूप में देखते हैं कि हाँ, मुझे सिर्फ अपनी लाइंस बोलनी है, या आप उस कैरेक्टर को कितना समझ पाए, उस कैरेक्टर को किस नजरिए से देखते हैं, उसको वो पोर्ट्रे कैसे करेंगे. कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मन में तो बहुत अच्छा सोच लेते हैं लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते. तो उसके लिए आपको अपनी जो पर्सनल लाइफ है उसके साथ साथ ये सीखने का जो एक है कि हाँ, मुझे कहाँ से कोई चीज मुझे कितनी इंटरेस्टिंग लग रही है, क्या है, ये आपको लेके चलना पड़ेगा.
वो कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ गेन जरूर कराएगा। तो जुड़े रहना बहुत और जरूरी है। जी, तो जैसे कि बॉम्बे में सब आते रहते हैं एक्टर बनने, बट सफल सब नहीं हो पाते. लाइक हमारे पास काफी एक्टर्स, और हम देखते हैं ऑडिशन में बहुत सारे, सबको एक्टर बनना है और सब अच्छे भी एक्ट करते हैं काफी लोग, बट दे डोंट गेट चांस टू लाइक एक्ट. सो आपके हिसाब से इसकी क्या वजह हो सकती है? देखिए, दो वजह है इसकी, दो बातें हैं इसके बारे में। यही कहूंगा कि चांस मिलना एक अलग बात है और एक्टिंग एक अलग चीज है। बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे एक्टर्स होंगे हर एक जगह, केवल मुंबई मुंबई की बात नहीं करूंगा। और बहुत एक्टिंग एक अलग सारे. चीज है, बट एक्टिंग को कैसे सेल करना है, कैसे आपको चीजों को हासिल करना है, ये बहुत अलग चीज है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर एक अच्छे एक्टर के पास वो स्किल हो कि जिसके जरिए वो अपना काम ले सके। तो हर एक एक्टर को ये भी समझने की जरूरत है कि हाँ, मैं अपने आप को अगर मैं मार्केट में लेके जा रहा हूं तो मुझे कैसे प्रेजेंट करना है अपने आप को। उस आधार पर अगर आपको मिल जाता है काम, तो फिर बाकी काम आसान हो जाता है, बिकॉज आप एक अच्छे एक्टर हैं। तो जो लोग आज की तारीख में जो अच्छे एक्टर हैं, वो चल इस नहीं अगर नहीं पाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रॉब्लम है कि वो समझ नहीं पाए हैं इस मार्केट को, कि कैसे उनको मूव करना है। तो वो सीखने की जरूरत है, हाँ, वो वरना सीखने की जरूरत नहीं. राइट, थोड़ा है। जी, बैलेंस चाहिए होता है एक्टिंग और बिल्कुल राइट. बिल्कुल। और किसी एक्टर को अपने किरदार को समझने के लिए डायरेक्टर की हेल्प लेनी जरूरी है या नहीं? लाइक उसके बिना भी एक्टर एक्टिंग कर सकता है? नहीं, डेफिनेटली लेना जरूरी है। एक्टर डायरेक्टर के साथ ही अच्छा काम कर सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अब हैं तो सब इंसान ही, कई बार ऐसा होता है कि हम वो चीज अपने हिसाब से लेके बना लेते हैं, पोर्ट्रे कर लेते हैं किसी कैरेक्टर को, जो डायरेक्टर के नजरिए से सही नहीं है, और हम उतना उसको इतना फिक्स कर लेते हैं कि हम उस ऑन द सेट ऑन द स्पॉट उसको ब्रेक कर ही नहीं पा रहे हैं। तो बेटर होता है, आप जितने भी अच्छे एक्टर देखेंगे, वो इतने फ्लेक्सिबल अपने आप को रखते हैं कि वो अपने डायरेक्टर से बात करेंगे। डायरेक्टर ने जो सोचा है, हो सकता है उससे भी बियॉन्ड वो सोच रहे हो, तो डायरेक्टर भी वेलकम करता है कि नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसको आप कैरी करिए। तो वो राइट. ये हाँ, ये सामंजस्य बिठाना बहुत जरूरी है, हाँ, बिल्कुल मतलब बात करनी चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए जरूर, बहुत जरूरी है। उनके. जी राइट. एक सेइंग है बाय अ फेमस हॉलीवुड एक्टर पॉल न्यूमैन. उन्होंने कहा है, टू बी एन एक्टर यू हैव टू बी अ चाइल्ड. इसके यस। बारे में आप क्या क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, क्रिएटिविटी क्या है? एक बच्चा जो होता है ना, वो तो बहुत सहज होता है, बहुत सरल होता है। उसको जैसा आप माहौल दोगे, वैसे माहौल में वो बढ़ना शुरू होगा। बच्चे को बच्चा रिसीव करता है ना। अगर मैं इतना अपने आप को इजी रखूंगा, तो मेरे पास हजारों किरदार मेरे आसपास घूम रहे होते हैं। हजारों किरदार ऐसे हैं जो हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन हम तभी उसको कुछ थोड़ा बहुत समझ पाते हैं जब हम एक तरीके से इतने इतने अपने आप को हम सहज कर लें, सरल कर लें। ताकि देखिए, बच्चे क्या होता है, बच्चे अचानक से रोने लगते हैं अगर आप उनके सामने जरा से भी ऐसी रिएक्शन रखेंगे। तो बच्चा होना जरूरी है, जरूरी इमोशंस जागे रहे आपके, क्योंकि वही तो हमको पेश करने हैं। तो बहुत जरूरी है। बच्चे ऐसे होते हैं आपके, हाँ बैक कुछ करके दिखाओ, बेचारे तुरंत कर देते हैं। और हम जब रिजिड हो जाते हैं, हमसे कहा जाता है कि यहाँ कुछ करिए, तो हमको लगता है अरे यार पता नहीं लोग क्या सोचेंगे। तो उतनी जो है कि एक सरलता बहुत जरूरी है, बच्चा होना सही है. बहुत जरूरी है। हाँ, और एक एक्टर को अपने को तराशने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि एक्टिंग के बारे में हम क्या काम करें, क्योंकि 24 घंटे एक दिन में हमारे पास है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि चलिए वॉइस की एक्सरसाइज कर लें या डिक्शन की एक्सरसाइज कर लें। ये एक्टिंग से इसका कोई मतलब नहीं है। एक्टिंग का इसलिए मतलब नहीं है, टूल्स की एक्सरसाइजेस है। मुझे साफ बोलना, भले मैं एक्टर नहीं हूं, साफ बोलना मुझे जरूरी है, मुझे हाँ, आना जेन्युइन करेगा. चाहिए, है ना। राइट. हाँ, बिल्कुल. मेरा गला है, पाइप जो भगवान ने मुझे दिया है, ये सही रहना जरूरी है। जितने भी सिंगर्स हैं, क्योंकि उनका ये प्रोफेशन इसी से है, प्रयास राइट, करते हैं, जरूर. हमको डायलॉग्स बोलने हैं तो हमारा गला सही होना चाहिए। तो ये जो राइट. अब ये सारी एक्सरसाइज तो 10 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगी, तो बाकी का हम टाइम क्या करें? तो बाकी के समय में क्या है कि आप पढ़िए,
आप पढ़िए, आप लिटरेचर पढ़िए और न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना चाहिए, बिकॉज उससे आप अपडेट रहते हैं पूरा हर दिन, पूरे वर्ल्ड से आप कनेक्ट रहते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, किस तरह का माहौल है, आप रिलेट करते हैं। अगर आपने कोई लिटरेचर पढ़ा है 200 साल पहले का, तो वो कल्चर आपको लिटरेचर के जरिए पता लग रहा है, लेकिन आज का कल्चर पता लगेगा आपके न्यूज़पेपर के जरिए। तो एक्टर का अपडेट होना जरूरी है। और आपके हिसाब से एक्टिंग का कोई फिक्स फॉर्मेट है या किरदार को निभाने के लिए अलग-अलग तरीके मतलब यूज करने चाहिए? मेरे हिसाब से एक्टिंग का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं होना चाहिए, वो आपको डेफिनेटली अपने आप को मोल्ड करना पड़ेगा जिस तरह की बैकग्राउंड में कोई सीन या कोई कैरेक्टर लिखा गया है, और उससे रिलेटेड बात आ जाती है, उसकी भाषा किस तरह के शब्द हैं, तो उनका साउंड किस तरह का होगा, साउंड के अकॉर्डिंग आपके हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, तो आपका पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाएगा एक्ट करने का। आप अगर हमारे यहाँ जैसे पैटर्न्स आते हैं कि साहब पारसी स्टाइल है, जैसे या माइथोलॉजिकल स्टाइल है, जिसको हम टेक्निकल भाषा में बोले कि बहुत लाउड कर रहे हैं आप, तो क्योंकि चूंकि लाउड सीन है वो तो करना पड़ेगा, तो वहां हम एक तरीके से नहीं कर सकते। अब हॉलीवुड की आप बहुत सारी फिल्में देखेंगे, वही एक्टर्स हैं जिन्होंने लाउड फिल्मों में लाउड काम किया है, और वही एक्टर हैं उन्होंने बहुत ही बिल्कुल नेचुरल काम किया है, तो वो आपको पैटर्न फिक्स नहीं करना है, फिक्स नहीं आपको है, पैटर्न के हिसाब से चलना है, कि पैटर्न क्या है उसके हिसाब से आपको मूव करना पड़ेगा। मतलब सबके मतलब कैरेक्टराइजेशन के हिसाब से आपको आपका फॉर्मेट चूज करना है, नॉट अकॉर्डिंग टू बिल्कुल सम बिल्कुल फॉर्मेट। बिल्कुल बिल्कुल आपका बिल्कुल कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने किसी में अलग अलग तरीके यूज किए, कोई एक ही फिल्म में या ऐसा कुछ? देखिए, ऐसे कई हम सभी एक्टर्स की लाइफ में इस तरह की चीजें आती हैं कि एक रोल आपने माइथो का किया है, तो एक रोल आपने बिल्कुल प्रोसिनियम का किया है, प्रोसिनियम इन द सेंस कि बिल्कुल ऑडियंस आपके बिल्कुल सामने है, या हम टेक्निकल भाषा में कह लें कि आप क्लोज में एक्ट कर रहे हैं, तो मुझे उसी के अकॉर्डिंग अपने आपको, तो वो कैरेक्टर डिपेंड करेगा, वो ओके कैरेक्टर राइट डिपेंड करेगा। अगर मैं किंग लियर करूंगा या ओथेलो या हैमलेट करूंगा, या यहाँ का कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर करूंगा, तो डेफिनेटली उसकी उसकी बैकग्राउंड, उसकी स्क्रिप्ट इस तरह की होगी, तो उसके लिए मुझे उतना स्टेज, या मुझे जो अपना सेट मिलेगा उसी हिसाब से मिलेगा। तो ऐसे हमने बहुत सारे कैरेक्टर्स किए हैं जहां पर पता लगा कि हम बिल्कुल लार्जर देन लाइफ एक कैरेक्टर कर रहे हैं, और एक जगह लगा कि बिल्कुल एक ऐसा कैरेक्टर है जो बिल्कुल अकेला है, तो ऐसा काफी कभी सारे हुआ है कैरेक्टर आपके किए। साथ कि मर्ज हुए कैरेक्टर्स, कि आपका एक दिन कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, फिर दूसरे दिन आपका कुछ लाइक कोई कोई दूसरा कैरेक्टर है बिल्कुल गांव वाले आदमी का, ऐसा कुछ जी हुआ है तो आपको बहुत बहुत हुआ है, क्या? ये ट्रेनिंग के दौरान बहुत हुआ है, बिकॉज हम लोग जब फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें कई सारे जो हमारे सीनियर बैचेस हैं, तो उनके साथ हमें उनके वर्क, उनके सीन वर्क में, उनके प्रोडक्शन में हमें काम करना होता है एक ही दिन में। कई बार हमारी अपनी भी रिहर्सल होती है और फिर हम सीनियर के प्रोडक्शन में चले गए, तो वहां उनका कुछ और ही है, तो ये हमने बहुत किया है, बहुत किया है अच्छा, हमने। तो मतलब टफ होता है, या फिर आपको अगर एक्टिंग आती है, आप अगर आप अच्छे से निभा सकते हो अपना फॉर्मेट, तो आप कर सकते हो। यही पहले सवाल का जवाब है, यही हाँ पहले सवाल का जवाब है कि ये टफ तो है, बट जब आप हाँ प्रोसेस में होते हैं, आप सीख रहे होते हैं, तो फिर धीमे धीमे वो आपके लिए आसान हो जाता है कि हाँ आप अभी ये करके आए हैं, अगला आपने वो किया, तो दोनों में डिफरेंस आपको मिलेगा, अदरवाइज दोनों में सिमिलरिटी मिलेगी, भले ही आपके अलग कैरेक्टर अलग अलग हैं, तो बहुत आनंद मिलता है इससे, क्योंकि आप एक लाइफ अभी कुछ दिन पहले आपने वहां जिया है, अगली लाइफ आप कुछ और जी के आ रहे हैं, तो बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है, बिल्कुल अलग एक्सपीरियंस है। तो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बहुत मुश्किल होता है, बट ट्रांसफॉर्मेशन जब आपको करना आ जाता है तो बड़ा बहुत अच्छा भी लगता है, आनंद मिलता है इससे। कोर्स। और फिल्म, टेलीविजन और थिएटर, इन तीनों मीडियम के ऑडियंस अलग-अलग होते हैं, तो आपके हिसाब से एक एक्टर को इन मीडियम्स के हिसाब से अलग अलग एक्टिंग करनी चाहिए या सेम अपना प्रोसेस रखना चाहिए, एक्टिंग का चेंज नहीं करना चाहिए? देखिए, मैं हमेशा एक्टिंग को एक ही चीज मानता हूं, मीडियम अलग अलग है, हम एक एक्टर को तीनों मीडियम, कोई भी अभी कोई आगे दूसरा मीडियम आ जाए पता नहीं, उन मीडियम्स में आपको एक्ट करना आना चाहिए।
आप जैसे थिएटर का मीडियम है तो थिएटर, जैसे हम कहते हैं ना कि थिएटर में एक होता है कि ओपन एयर थिएटर हो गया या है ना, या फिर प्रोसिनियम थिएटर हो गया, इसी तरीके से हम कहेंगे कि साहब हमारे पास शॉट्स होते हैं कि साहब वाइड शॉट हो गया, मिड शॉट हो गया, क्लोज शॉट हो गया। तो क्लोज का मतलब हो गया प्रोसिनियम थिएटर के बाद पता लगा कि केवल 100 लोग बैठे हुए हैं। तो मान के चलिए कि हो सकता है जैसे अब टीवी हो गया हमारा, तो टेलीविजन चूंकि उसके अपने मापदंड है, उसकी बहुत ही लिमिटेशंस हैं उसकी, तो उसके हिसाब से ही आपको एक्ट करना पड़ेगा। सिनेमा एक बड़ा पर्दा है, तो उसकी अपने तरीके से आपको लेंसों का ज्ञान होना चाहिए कि क्या लेंसेज हैं, क्या क्या आपका फ्रेम है। ऐसी थिएटर में तो एक्टर को मीडियम में ढलना आना चाहिए। ढलना, हाँ एक्टिंग तो वही मतलब है, एक्टर तो वही है। अभी आप देखिए हॉलीवुड में इतने सारे एक्टर हैं जो ज्यादातर सारे के सारे थिएटर से आए हैं, चाहे पॉल बिल्कुल न्यूमन से लेकर ले लीजिए, अपना लॉरेंस ओलिविया ले लीजिए, मार्लन ब्रांडो ले लीजिए, वो सब के सब ब्रॉडवे से आए। सबके बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो थिएटर से हैं, थिएटर में भी काम किया उन्होंने और सिनेमा में भी राइट काम किया, टेलीविजन पर भी काम किया। मीडियम अलग अलग है बट एक्टर तो एक ही थे, लोग आना आपको मतलब चाहिए। सारे मीडियमों में ढलना आना चाहिए बेसिकली आना कैसे। चाहिए। हाँ यस ओके ओके। और एक थिएटर को आमतौर पर फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की सीढ़ी समझा जाता है कि इट्स द स्टार्टिंग पॉइंट। तो एक एक्टर के सोच के लिए ये सही है या गलत कि थिएटर ही हमारा स्टार्ट है इंडस्ट्री में घुसने देखिए, के लिए? मैंने एक चीज थोड़ी सी नोट की पिछले कुछ सालों में। काफी मतलब आज से कुछ साल पहले ले लीजिए तो ये वाली बात जो अभी आपने कही थी लोग नहीं बोलते थे। अभी एक तरीके से मैं, हालांकि बहुत पता नहीं, मैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि अभी थिएटर एक ऐसा एक वर्ड हो गया है जिसके जरिए हम ये बताने के लिए अपने आप को, हमको लगता है कि हम बोलेंगे हम थिएटर से हैं तो शायद हमारा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाएगा और हमको वो एक अलग जगह देगा कि आइए आप थिएटर से हैं। लेकिन किसी ने 2 प्ले कर लिए, 3 प्ले कर लिए, वो भी थिएटर से बोलता है अपने आप को। बट थिएटर एक लंबा प्रोसेस है और अगर आप थिएटर से हैं, अब बम्बई में भी बहुत सारे ऐसे एक्टर्स हैं जो बेचारे थिएटर करते हैं, किसी ना किसी बहाने जुड़े रहते हैं, तो वो जरूरी, बिकॉज वो आपका प्रोसेस लंबा है, लॉन्ग वे वाला प्रोसेस है कि आप थिएटर से आप जुड़े हुए हैं। जुड़े आपको हुए शो करने का मौका मिल रहा है नहीं मिल रहा है वो अलग बात है, लेकिन आप रोज कहीं रिहर्सल्स में या हफ्ते में 2 बार कहीं मिलने जा रहे हैं, तो वो वही माहौल में आप हैं और कुछ ना कुछ आपको एक दूसरे से मिल रहा है। और अगर आप एक्ट कर रहे हैं, रिहर्सल्स कर रहे हैं, तो अपने आप को मांझ रहे हैं। तो थिएटर से बड़ा मीडियम फिर किसी भी एक्टर के लिए, उसको संवारने के लिए इससे बड़ा मीडियम नहीं है। उसके बाद आप सिनेमा करें, टेलीविजन करें, वो आपको बहुत आसान बना देता है, आपको बहुत जी आसान बना देता है। थिएटर करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। हाँ, बिकॉज मेरे आजकल मेरे मेरे हमारे एक्टर्स हैं बड़े बड़े मेरे एक्टर्स, जी जी वो भी मेरे मतलब गुरु थिएटर गुरु मेरे मेरे में। गुरु है नसीर साहब, या हाँ उनके मैं उनको दोस्त है परेश रावल साहब, तो ये आज भी थिएटर करते हैं। अब परेश जी तो अभी हमारे एनएसडी के अपना जो है चेयरमैन है, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बहाने जुड़े हुए हैं, से जुड़े भले ही हैं वो राइट। मीडियम में काम करें। बात बात अच्छा रहेगा एक्टर्स के लिए कि वो थिएटर से जुड़ा रहे। राइट राइट। आपके हिसाब से एक एक्टर को अपने किसी किरदार को निभाने के लिए क्या कुछ मतलब प्रायर तैयारी करनी चाहिए या ऐसी एक्टिंग करनी चाहिए बस? तैयारी तो करनी चाहिए। और एक्चुअली क्या होता है ना कि एक 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 होता है कि एक एक्टर गया सेट पर और उसने एक्ट करना शुरू किया, लेकिन वो भी शॉट से कुछ देर पहले अपने आप को प्रिपेयर करने की कोशिश करता है कि मेरा शॉट अच्छा हो जाए। अब बात रही कैरेक्टर्स की कि आपको ये कैरेक्टर मिला है, तो आप ये देखिए कैरेक्टर किस तरह का है, क्या मैं उसको कहाँ से, क्या कितने इनपुट्स मुझे कहाँ कहाँ से मिल सकते हैं। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बायोग्राफिकल होते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली उन कैरेक्टर्स के बारे में मुझे पता करना पड़ेगा। इसके हाँ बहुत राइट सारे ऐसे उदाहरण आपको मिल जाएंगे जहां बहुत सारे एक्टर्स ने ऐसे कैरेक्टर्स किए हैं बाकायदा, उसके बारे में उनको रीड करना पड़ा। तो आपको भले ही अगर इस तरह के कैरेक्टर नहीं दिए, तब भी आपको वर्क करके ले जाना चाहिए, क्योंकि कैरेक्टर है वो, उसको आप सिर्फ लाइंस हमको नहीं करना, वो कैरेक्टर्स है, वो कैरेक्टर्स हैं आपके लिए, आपको बाकायदा काम करना चाहिए, बाकायदा डायरेक्टर के साथ बात करनी चाहिए। तो किसी भी कैरेक्टर को बिल्कुल भी सरल नहीं लेना चाहिए।
अदरवाइज फिर वो है कि हाँ आपने सिर्फ लाइंस बोली आप घर आ गए, लेकिन उसका इम्पैक्ट दर्शकों पर इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, राइट इसलिए राइट उसके ऊपर काम करना जरूरी है। करना जरूरी है। हाँ, और आपके हिसाब से आजकल सोशल मीडिया में लगभग हर कोई अपने वीडियोस बना के पोस्ट कर रहा है और काफी फेमस भी हो रहे हैं और बहुत मतलब पॉपुलर हो रहे हैं लोगों के मतलब बीच में, तो इस जी ट्रेंड को आप एक कलाकार की निगाह से किस तरह देखते हैं? अच्छी बात है कि सोशल मीडिया के जरिए आज कम से कम हर आदमी अपनी बात किसी न किसी प्लेटफॉर्म के जरिए रख रहा है, बट उसका एक्टिंग से मैं रिलेशन नहीं मानता हूँ। एक्टिंग एक अलग चीज है, पॉपुलरिटी एक अलग चीज है। पॉपुलर जी तो आप सोशल मीडिया पे मैं कई बार देखता हूँ, जैसे खाने के बहुत सारे चीजें आती हैं कि हाँ भाई उस गली में वो जो है चाट वाला बड़ा मशहूर है, तो उसको भी लोग राइट देख रहे हैं कि कैसे बना रहा है, वो पॉपुलैरिटी अलग चीज है, लेकिन एक्टिंग एक अलग चीज है। हाँ ये जरूरी है कि हम किस तरीके से अपने आप को ऑडियंस के सामने ज्यादा से ज्यादा पहुंचा पाए, वो हमको तरीका पता होना चाहिए। तो इसका एक्टिंग से मैं समझता हूँ एक्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है। हाँ बेहतर है कि आप टाइम के हिसाब से आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करें, ताकि अपनी बात क्रिएटिविटी के साथ जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें, इसीलिए सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। पर जो वैसे जो अपने सीन्स इनएक्ट करके और लाइक जो अपने वे में उसको पोर्ट्रे करते हैं, वो आपको लगता है वो एक्टिंग है या जस्ट वो अपने मजे के लिए कर रहे हैं लोग? देखिए अभी 10 10 सेकंड 12 सेकंड वाले जितने भी वीडियोस आते हैं, या थोड़ा सा और आप कुछ सेकंड्स बढ़ा दीजिए, उसका एक्टिंग से कोई रिलेशन नहीं है, उसका कोई रिलेशन नहीं है। वो तो ये है कि ठीक है तमाम मतलब इतनी बड़ी संख्या है लोगों की, कुछ ना कुछ वीडियोस आते रहते हैं, डालते रहते हैं, लोगों को अच्छे भी लगते हैं, बट जब किरदार करने की बात आती है, कैरेक्टर करने की बात आती है, तो बहुत अलहदा बात हो जाती है। तो वहां जो है फिर हम अगर सबको ही एक मंच पे देखें कि हाँ ये पॉपुलर आदमी है, तो हम उसको अगर ये सोचें कि हाँ ये वाला कैरेक्टर ये कर सकता है, नॉट पॉसिबल। तो नो एक्टिंग डाउट, का रिलेशन नहीं है ऐसे, कुछ सेकंड में आप एक्टिंग नहीं कर सकते, नहीं राइट? कर ऑफ कोर्स, सकते। हाँ राइट। और माइम, मिमिक्री और मोनो एक्टिंग, ये तीनों ही अपने आप में कंप्लीट अलग ही मोड ऑफ एक्टिंग है। क्या एक एक्टर इनसे कुछ सीखकर कमर्शियल एक्टिंग में अपनी जगह बना सकता है? डेफिनेटली इसके आपको एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं, बहुत सारे कई सारे। अच्छा दूसरा क्या है कि जैसे माइम हो गया, जी माइम क्या है, पहली जो हमारी भाषा थी कोई ऐसी वर्ड वाली भाषा तो थी नहीं, हम इशारों से ही बात करते थे, हम हाँ जेस्टर से ही बात किया करते थे। तो माइम एक ऐसी जगह है कि हाँ छोटी सी स्पेस में एक एक्टर जो है आपको बहुत कुछ दिखा सकता है, उसके जेस्टर पॉस्चर, उसकी बॉडी लैंग्वेज के जरिए। मिमिक्री एक अलग चीज है कि हाँ मिमिक्री में यह है कि हाँ वो कैसे बोलता है, आपने उसको कॉपी करके करने की कोशिश की, आपने उसको वियर्ड बना दिया, तो वो कैरिकेचर हो जाता है, जो हम राइट आजकल की कॉमेडी में देखते हैं, जो हमारे सॉरी मैं बिल्कुल बात को नहीं मानता कि कॉमेडियन अलग होता है, वो भी एक एक्टर ही है, लेकिन जी अगर उसको हम वो बोले कि नहीं ये अब उसका उसने इस रूप में इसको ले लिया है कि जब तक वो कैरिकेचर ना बनाए तब तक उसकी रोजी रोटी नहीं चलेगी, तो मिमिक्री एक अलग चीज हो जाती है, कैरिकेचर अलग हो जाता है। रही बात तीसरा आपने जो बताया मोनो मोनो एक्टिंग, एक्टिंग, मोनो एक्टिंग में एक एक्टर है जो कई सारे कैरेक्टर खुद ही कर रहा है, वो खुद ही नरेशन कर भी कर सकता है, वो दूसरा कैरेक्टर भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, तो उसमें उसकी उसकी टाइमिंग सेंस आ जाती है। क्या टाइमिंग सेंस कितना अच्छा है इसका। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं जहां पर लाइक गांधी एक फिल्म है रिचर्ड एटनबरा की, बेन किंग्सले ने उसमें गांधी जी का रोल किया है। अब गांधी जी के हमारे पास क्योंकि ज्यादा लंबा समय नहीं था, उनके बारे में बहुत सारी जानकारियां थी, लेकिन उन्होंने उसको कैरिकेचर नहीं होने दिया, उन्होंने उसको बैलेंस रखा। राइट राइट रिचर्ड एटनबरा की स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग गांधी जी क्या सोचते हैं, बेन किंग्सली ने अपने हिसाब से सोचा, लेकिन हाव भाव जितने हो सकते थे बाय एज या वॉइस कल्चर, उन्होंने अपने हिसाब से वैसा बनाने की कोशिश की। तो एक एक्टर इन तीनों विधाओं से, माइम, मोनो एक्टिंग एंड मिमिक्री, तीनों का जहां आपको यूज लगे आप ले लीजिए। सेकेंड एग्जाम्पल आपका गॉडफादर एक फिल्म है, जी उसमें उसमें जो मर्लिन ब्रांडो ने जो रोल किया है, उसका यंग वर्जन किया है डेनिरो साहब ने,
उस यंग वर्जन को उन्होंने कितने बेहतरीन तरीके से उसको उतारा कि हाँ ये ओल्ड आदमी है, ये यंग एज में किस तरह के भाव हो सकते हैं इसके। तो एक एक्टर जो है ना, इन ये सारी चीजें हैं जिनसे जहां, और इसमें इंटेलिजेंसी एक्टर की होनी चाहिए कि किस शानदार तरीके से वो इन सबको उठा ले और अपने कैरेक्टर में पेश करे आगे। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीका। हाँ, तो जो लोग ये करते हैं वो लोग का मतलब फिल्म में घुसना इजी है या थोड़ा बैलेंस या उनको टफ नहीं, होगा? नहीं टफ नहीं होगा, ये डिपेंड करता है कि आपको इस कैरेक्टर में ये करना पॉसिबल है या आप जरूरी है। हाँ, जी बोलिए बोलिए, सॉरी। ये आप, ये एक्टर को देखना पड़ेगा कि इस कैरेक्टर में मुझे माइम से कुछ उठा सकता हूं क्या। माइम का मतलब केवल माइम नहीं है, आप माइम का मतलब केवल माइम नहीं है उस कैरेक्टर में, या मिमिक्री का मतलब केवल मिमिक्री नहीं है उस कैरेक्टर के लिए। बड़े ओके, बैलेंसिंग तरीके से, बहुत आपको क्या कहते हैं उसको, रियलिस्टिक वे में आपको रखना पड़ेगा। इसीलिए अभी जिसे बहुत अच्छे एक्टर हैं डेनियल डेलुइस, उन्होंने कितने उनको कितने ऑस्कर मिले हैं, तो उनके उनके बारे में अगर हम पढ़ेंगे या उनके बारे में जानेंगे, उन्होंने हर कैरेक्टर में बहुत काम किया। चाहे वो लिंकन एक फिल्म है उनकी, उनकी देयर विल बी ब्लड एक फिल्म है, सारे कैरेक्टर डिफरेंट हैं। उन्होंने कहाँ कहाँ से इन सब चीजों को उठाया है, कहाँ से उन्होंने थोड़ा लाउड कहाँ जरूरत थी, कहाँ पर माइम का उन्होंने कहाँ पर यूज किया होगा। तो एक एक्टर को जहां जरूरत पड़े कैरेक्टर के हिसाब से कि मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा मैं हेल्प ले सकता हूँ, इस चीज की लेनी चाहिए, बट हाँ उसको तरीका पता होना चाहिए। मतलब वही आपको पता होना चाहिए कि आपको आपकी जो स्किल है वो कहाँ यूज करनी है और कहाँ नहीं काम आएगी, यस, बिल्कुल। राइट। और उभरते हुए हमारे आज आज के एक्टर्स को आप क्या बोलना चाहेंगे या क्या सलाह देना चाहेंगे, कुछ भी जो आप बोलना चाहते हैं उनको? मैं यही कहूंगा कि एक तो पेशेंस बहुत जरूरी है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पेशेंस रहेगा तभी आप इसको एज अ प्रोफेशन सक्सेसफुल तरीके से आप पूरा कर पाएंगे। दूसरा, पढ़ना बहुत जरूरी है, पढ़ना इन द सेंस लिटरेचर। देखिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का इससे कोई मतलब नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक अलग चीज है, बट लिटरेचर की क्वालिफिकेशन बहुत अलग चीज है। एजुकेशन आपको एक कोर्स दिला सकती है, बट लिटरेचर आपको इंसान बना सकता है। और एक्टर के लिए इंसान बने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। इंसान बनने के लिए वही वाला सबका सवाल था कि हाँ बच्चा भी रहना जरूरी है अंदर से, कि हाँ कहाँ पर चीजें कनेक्ट करें। अगर कोई कोई खुश हो रहा है तो हमें उसकी खुशी में हमें अच्छा लगे, हाँ बढ़िया है, तो इतना राइट। कनेक्शन रिसीविंग आना चाहिए। तो एक तो पेशेंस बहुत जरूरी है, अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है कि कहाँ पर क्या चल रहा है। पॉलिटिकली भी अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है, इसका बहुत असर पड़ता है आपकी रोजी रोटी से लेकर के और बाकी बाहर, उसका बहुत सारा असर पड़ता है। केवल ये नहीं कि हाँ हम 24 घंटे बहुत कम पढ़ते हैं तो उसमें हम बहुत सारा टाइम जाया कर देते हैं, बहुत सारा टाइम जाया कर देते हैं। हम अपने लिए समय नहीं निकाल पाते कि हाँ मुझे क्या करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो पढ़ना जरूरी है, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, अप टू डेट रहना बहुत जरूरी है। ये कुछ चीजें हैं। फिल्में देखना बहुत जरूरी है, अच्छी अच्छी फिल्में देखें, ताकि अच्छे एक्टर्स को देखता है इंसान तो इंस्पायर होता है एक्ट करने के लिए, मोटिवेट होता अच्छा है, लगता राइट। है उसको, हाँ, दिस इज ये वेरी सब इंपॉर्टेंट। चीजें। यस सर, थैंक यू सो मच, और आपसे बात करने में बहुत अच्छा लगा। थैंक थैंक यू यू सो थैंक मच, यू बहुत अच्छा थैंक यू लगा। थैंक यू थैंक सबने किया है मैसेजेस, कमेंट्स किए हैं कि इट वाज वेरी वेल एक्सप्लेन्ड और बहुत अच्छा इंटरेक्शन सेशन था। थैंक यू सो मच यू थैंक हमारे लाइफ पे आने के लिए। थैंक यू यू थैंक यू थैंक सर, थैंक यू सो यू मच। ओके थैंक यू। तो हमारा आज का लाइव यही समाप्त होता है, एंड कल हमारा लाइव है एट द सेम टाइम 5 PM विद मिस्टर ओमकार शेट्टी ऑन फिल्म मेकिंग। तो आइए कल भी और अगले 2 दिन भी, और हमारे साथ जुड़े रहिए। टेक केयर, बाय।